Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. A shorthand and longhand both are implementations. Morning to viewers. In this whole video, we are going to show you that how many properties of both are in longhand. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 22 है जिसमें हमें बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़ना है। गाइज, बॉर्डर प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड बॉर्डर के नाम से इस्तेमाल होता है और लॉन्ग हैंड हर वैल्यू के लिए अलग अलग है। जैसे ये जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर, इसमें तीन वैल्यूज हैं, 1 pixels, सॉलिड और रेड। तो ये बॉर्डर का विड्थ है, ये बॉर्डर का स्टाइल है और ये बॉर्डर का कलर है। ये CSS 3 का प्रॉपर्टी है, इसलिए आप आसानी से एक लाइन में लिख देते हो। लेकिन ये प्रॉपर्टी उन्हीं ब्राउजर्स को सपोर्ट करेगा जो लेटेस्ट क्वालिटी के हैं। क्लियर? तो आप इसका उपयोग क्यों करोगे? क्योंकि ये एडवांस क्वालिटीज़ के ब्राउजर्स ही सपोर्ट करेंगे। अगर आपने लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का यूज कर दिया तो कोई भी ब्राउजर्स इसको आसानी से सपोर्ट कर जाएगा। तो चॉइस आपके पास है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। तो अगर आप CSS 2 पढ़ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप CSS 2 के लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ को चूज करें। ओके, सो हमने तो एक बार में डिफाइन कर दिया कि मुझे 1 pixel मोटा सॉलिड डिज़ाइन का और रेड कलर का बॉर्डर चाहिए। ओके, अब यहाँ भी आप यही चीज़ कर सकते हो, बस अंतर क्या होगा, ये थोड़ा लंबा मेथड होगा, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड होगा। ठीक है, तो लंबे मेथड के अनुसार आप देखिए, मोटाई देने के लिए आप लिखोगे बॉर्डर विड्थ, डिज़ाइन देने के लिए आप लिखोगे बॉर्डर स्टाइल और कलर देने के लिए आप लिखोगे बॉर्डर कलर। क्लियर? ये जो आप सॉलिड देख रहे हो बॉर्डर का स्टाइल, यहाँ बहुत सारे चीज़ों को लिखा जा सकता है, मैं अगले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। सो बॉर्डर जो आप चारों दिशा में सिर्फ एक लाइन देकर लिखते थे, अब आप इस तीनों लाइन को लिख कर दोगे। क्लियर? ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा ये तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ है, इसका मतलब है कोई भी ब्राउजर्स इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये शॉर्ट हैंड है, वही ब्राउजर्स इनको सपोर्ट करेगा जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ के होंगे। ओके, सो इन तीनों का यूज आपने अगर समझ लिया तो मैं आगे बताता हूँ। बॉर्डर टॉप, आप चाहते हो सिर्फ ऊपर से बॉर्डर देना तो आप ऐसे लिख सकते हो, बॉर्डर टॉप 1 pixel सॉलिड रेड। नीचे से बॉर्डर देना, बॉर्डर बॉटम, बाएं से बॉर्डर लेफ्ट, दाएं से बॉर्डर राइट। यानी कि CSS 2 में इतने सारे बॉर्डर के लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर? सो इसका प्रैक्टिकल सेशन हम इसके अगले पार्ट में अचीव करेंगे। सो काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। So stay tuned to our channel guys and thanks for watching my videos. Have a great day. Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science.